हेलो गाइस, वेलकम टू कार्टोमेंसी लव रीडिंग्स। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग में देखते हैं कि आपके जो पर्सन हैं वो नेक्स्ट 48 आवर्स में उनकी क्या फीलिंग्स रहेगी आपके लिए। नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या फीलिंग्स रहेगी आपके पर्सन की, क्या फीलिंग्स रहेगी आपके लिए। जब तक मैं कार्ड शफल करती हूँ, आप अपने पर्सन की तरफ फोकस करिए। देखते हैं कि आपके पर्सन कि नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या फीलिंग्स रहेगी। एट ऑफ क्लब्स, जैक ऑफ स्पेड और एट ऑफ स्पेड, सेवन ऑफ हार्ट, थ्री ऑफ स्पेड और थ्री ऑफ हार्ट। ठीक है, तो आपके पर्सन यहाँ जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस हो सकते हैं, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस हो सकते हैं, एरीज लियो सेजिटेरियस भी हो सकते हैं। ठीक है, तो आपके पर्सन नेक्स्ट 48 आवर्स में, अगर आपके पर्सन थर्ड पार्टी सिचुएशन में है तो थर्ड पार्टी की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान रहेंगे। थर्ड पार्टी यहाँ पर इनका हो सकता है काम भी हो सकता है, थर्ड पार्टी यहाँ पर कोई दूसरा पर्सन हो सकता है, दूसरा रिलेशनशिप हो सकता है या इनकी फैमिली भी हो सकती है। तो अपने थर्ड पार्टी की वजह से, थर्ड पार्टी सिचुएशन जो है इनके ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन लगाएगी और जिसकी वजह से आपके पर्सन बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड यहाँ रहेंगे। ठीक है, और काम को लेके भी आपके पर्सन ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा बिजी रहेंगे नेक्स्ट 48 आवर्स में। पर आपके बारे में भी ये सोच रहे हैं कि आपके साथ जो रिलेशनशिप है उसमें आपके पर्सन कुछ एफर्ट डालना चाहते हैं। दोबारा रिलेशनशिप में आप दोनों के बीच में अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है और थर्ड पार्टी सिचुएशन नहीं है, तो आपके पर्सन जो मिसअंडरस्टैंडिंग है उसको भी कम करना चाहेंगे। ठीक है, अब देखते हैं दूसरे कार्ड से भी कि आपके पर्सन नेक्स्ट 48 आवर्स में आपके लिए क्या फील करेंगे। नेक्स्ट 48 आवर्स में उनकी फीलिंग्स क्या रहेगी आपके लिए। ठीक है, यहाँ पर है टेम्पटेशन, डेविल की एनर्जी है, 15 नंबर इम्पोर्टेंट का आपके लिए हो सकता है, 15 या 6। ठीक है, आपके पर्सन के दिमाग में बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स आते हुए लग रहे हैं। एक तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है आपके लिए, बहुत ज़्यादा तड़पेंगे नेक्स्ट 48 आवर्स में, चाहेंगे कि आपसे रिकन्सिलेशन हो या फिर आपसे बात हो, या आपके प्रेजेंस को बहुत ज़्यादा मिस करेंगे आपके पर्सन और चाहेंगे कि जो भी रेस्ट्रिक्शन है वो हट जाए और आप दोनों एक हो जाओ। बहुत ज़्यादा आपके तरफ फिजिकल अट्रैक्शन फील करेंगे, पर उनके दिमाग में काफ़ी नेगेटिव थॉट्स भी चल रहे हैं ऐसा भी दिख रहा है। और देखते हैं और आपके पर्सन नेक्स्ट 48 आवर्स में आपके लिए क्या फील करने वाले हैं, क्या फील करेंगे आपके लिए नेक्स्ट 48 आवर्स में। यहाँ पर है डिस्ट्रप्शन और इमोशनल विड्रॉल। देखिए, आपके पर्सन जो है उनका मन बहुत ज़्यादा करेगा कि वो आपकी तरफ आए, पर खुद को ही कंट्रोल करेंगे, खुद के जो फीलिंग्स है उन्हें उसे छुपाएंगे और खुद के इमोशंस को ही कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। आपको एक तरफ ये पर्सन लेट गो भी नहीं करना चाहते, नहीं चाहते कि उनके लिए बहुत मुश्किल है आपको लेट गो करना, क्योंकि आपको चाहते हैं, ये रीज़न है कि वो लेट गो नहीं करना चाहते आपको, आपको अपनी लाइफ से जाने नहीं देना चाहते। तो कुछ नेक्स्ट 48 आवर्स में आपके पर्सन, मुझे ऐसा लग रहा है, अपने दिल में बहुत ज़्यादा बातें छुपाते हैं और एक्सप्रेस नहीं करते हैं फीलिंग्स को। ठीक है, इनकी ये मेजर प्रॉब्लम है कि आपके पर्सन जो है वो फीलिंग्स को या तो एक्सप्रेस नहीं करते हैं या फिर एक्शन ले सकते हैं। आपके पर्सन क्या एक्शन ले सकते हैं, तो जो एक्शन का जो कार्ड आएगा वो सबके लिए, ऐसा नहीं हो सकता है कि अगर कम्युनिकेशन का कार्ड आ रहा है तो सबके ही पर्सन कम्युनिकेट करने लगेंगे। तो हो सकते 80% या 70% लोगों को जो व्यूअर्स हैं कम्युनिकेट करें उनके पर्सन। तो देखते हैं आपके पर्सन की तरफ से क्या नेक्स्ट एक्शन हो सकता है। यहाँ पर देखिए एट ऑफ वैंड्स आया है, उड़ के आया है, मतलब कि ये जो पर्सन है काफ़ी लोगों के लिए ये पर्सन जो है कम्युनिकेट आपसे कर सकते हैं, मैसेज कॉल आपको कर सकते हैं, खुद की तरफ से रेस्ट्रिक्शन कम करने की कोशिश करेंगे।
ठीक है, आपसे रिकन्सिलेशन के लिए बात करेंगे या फिर नॉर्मल आपसे बात कर सकते हैं। और देख लेते हैं और क्या नेक्स्ट एक्शन हो सकता है। एट ऑफ पेंटिकल्स, सेवन ऑफ सोर्ड, क्वीन ऑफ वैंड्स और एट ऑफ सोर्ड। ठीक है, एट ऑफ सोर्ड प्लेइंग कार्ड्स में भी आया था। ठीक है, आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आपने ही उनको अपने तरफ से ब्लॉक कर दिया है, या आप इस वक्त इंटरेस्टेड नहीं हो अपने पर्सन से बात करने से करने के लिए। देखिए यहाँ पर लवर्स का भी कार्ड है। ठीक है, फिर भी आपके पर्सन जो है, आपको आपके पर्सन को ऐसा भी लगता है कि आप बहुत ज़्यादा बिजी हो वर्क में, आप अपनी लाइफ में बहुत खुश हो, ऐसा भी आपके पर्सन फील कर रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा अपसेट एनर्जीज में भी है, वो दूर से ही आपको देख के खुश हो रहे हैं। ठीक है, आपके ऊपर नज़र रख रहे हैं, आपको स्पाई कर रहे हैं आपके पर्सन, और सोच रहे हैं आपके बारे में बहुत ज़्यादा कि किस तरीके से आपका अटेंशन वो जीत पाए। ठीक है, आपका जो अटेंशन है वो गेन कर पाए, आपके पर्सन इस बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, और देख लेते हैं आपके पर्सन के और क्या है नेक्स्ट 48 आवर्स में आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स रहेगी। नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या फीलिंग्स रहेगी आपके पर्सन की। एक्सेप्टेंस, गिल्ट और एडवर्सिटी। ठीक है, जो भी आपके पर्सन ने किया है पास्ट में, ठीक है, आपके पर्सन हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि इस पर्सन ने अपने वर्क प्लेस में किसी और के साथ फ्लर्ट किया था या फिर आपको धोखा दिया था, उस वजह से आपने इस पर्सन को या तो ब्लॉक कर दिया है या फिर बात करना बंद कर दिया है। पर अब आपके पर्सन जो है अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करना चाह रहे हैं, उनको बहुत ज़्यादा इस वक्त गिल्ट में है आपके पर्सन, और जो आपके साथ जो रिलेशनशिप जो इस वक्त बहुत टूट रहा है, ठीक है, उसके लिए वो खुद को ही ब्लेम करते हैं। ठीक है, उनके लाइफ में ऐसा लग रहा है टावर मोमेंट आ गया। यहाँ पर भी टावर का कार्ड आया है। बहुत ज़्यादा आपके पर्सन स्ट्रेस्ड है इस रिलेशनशिप को लेकर, क्योंकि वो आपको खोना नहीं चाहते हैं और चाहते हैं कि जो भी सिचुएशन है वो उसमें एक्सेप्टेंस के लिए भी रेडी है। उनको अपनी गलतियों का एहसास हो चुका है, वो एक्सेप्ट करने को रेडी हैं कि उनकी गलती थी, और आपसे कम्युनिकेट करने के लिए बहुत ज़्यादा बेताब हो रहे हैं। ठीक है, और देखते हैं आपके पर्सन के क्या मैसेजेस हैं, वो क्या बोलना चाहते हैं, आपके पर्सन क्या बोलना चाहते हैं नेक्स्ट 48 आवर्स में, क्या बोलना चाहते हैं आपको। नेक्स्ट 48 आवर्स, यू बिलीव इट और नॉट बट आई लव यू मोर देन यू नो। तो आपको बोलना चाहते हैं, आप विश्वास करो या नहीं, पर आप जितना सोचते हो उससे भी ज़्यादा आपके पर्सन आपको प्यार करते हैं। विश आई कुड रिवाइंड एवरीथिंग एंड डू बेटर दिस टाइम। इसका मतलब है कि आपके पर्सन ऐसा विश कर रहे हैं कि पास्ट के मिस्टेक्स को रिवाइंड करके वो दोबारा सब कुछ बेटर करना चाहते हैं इस वक्त। Am I not important to you? देखिए आप यहाँ क्वीन ऑफ वैंड्स में नज़र आए हैं, तो आपके पर्सन को लग रहा है कि आप अपने ऊपर फोकस्ड हैं, आप बिल्कुल उन्हें केयर नहीं कर रहे हो, आप उन्हें बहुत साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हो। तो उस वजह से आपके पर्सन को लग रहा है कि मेरी इंपॉर्टेंस ही अब ख़त्म हो गई है, क्या मैं इंपॉर्टेंट नहीं हूँ, वो ऐसा पूछ रहे हैं। द डिस्टेंस बिटवीन अस इज टॉर्चर। उनको ऐसा लगता है कि आप दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो बहुत ही उन्हें टॉर्चरस लग रही है। आई नो यू मिस मी, पर उनको लगता है कि आप ऐसा एक्ट कर रहे हो पर आप उनको बहुत ज़्यादा मिस करते हो। स्प्रिंग, फेबररी, मार्च आप लोग के लिए इंपॉर्टेंस का हो सकता है। यू आर द ड्रीम आई गो टू एवरी टाइम आई क्लोज माई आईज। तो जब भी आपके पर्सन आंखें बंद करते हैं तो उन्हें आपका ही चेहरा नज़र आता है। तो ये थी नेक्स्ट 48 आवर्स आपके पर्सन की फीलिंग्स। होप आपको अच्छी लगी है, और अगर रेजोनेट होती है तो आई क्लेम इट रीडिंग कमेंट सेक्शन में लिखिए। साथ में लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करिएगा, और नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, या फिर आप रिटर्निंग सब्सक्राइबर हैं तो वेलकम, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिएगा, और साथ में वीडियो को शेयर भी करिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।